हे गाइस, आप लोग कैसे हो? टेक्स ऑन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। तो पोको X2 यूजर के लिए काफी एक राहत देने वाला न्यूज आने आ रहा है। तो पोको X2 का जो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम के लिए कैमरा डेट हो रहा है, तो इसको जो है आफ्टर ऑल पोको ने एक्नॉलेज कर दिया एंड आपको ट्विटर में ये चीज के बारे में एक आपको पोस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपका पोको X2 का फोन के ऊपर किसी तरह कैमरा का इशू देखने को मिल रहा है, कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, नहीं तो कुछ कुछ फोन में इवन टच के ऊपर भी प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रहा है, तो आप जो है सीधा सर्विस सेंटर ले जाकर ये फोन को रिपेयर कर सकते फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन आपका फोन अगर आउट ऑफ वारंटी हो तब भी ये काम करेगा। तो ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। सर्विस सेंटर जाने का पहले आपको कुछ काम करना है, ये सब कुछ आपको ये वीडियो जानने को मिलेगा। कुछ ऐसा छोटा छोटा टिप्स आपको देंगे जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाला है, जो चीज हो सकता है और कोई यूट्यूब चैनल में आपको जानने को नहीं मिलेगा। प्लस हम लोग जो ये फोन रिपेयर करने का बात भी आपको क्या करना है वो भी जानने को मिलेगा वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जो है डेमोंस्ट्रेशन की पर्पस जो है मैं मेरा रेडमी 4 को यूज करता हूँ, पर आपको जो भी मैं ये वीडियो में काम करने को बोलूंगा ये आपको पोको X2 की पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो है आपको ट्विटर का एक लिंक देने को मिल जाएगा जिधर जाकर आप देख सकते हो पोको ने क्या क्या बोला, ये आपको इधर क्लियर हो जाएगा मैं जो ये वीडियो में बोलने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपका जो MIUI का डिफॉल्ट कैमरा एप्स, ये एप्स का डेटा को क्लीन करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको डिफॉल्ट कैमरा एप्स पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, एप्स इनपुट के अंदर जाइए। इधर जाएंगे तो आपको जो है स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टोरेज के ऑप्शन में जाएंगे तो इधर जो क्लीन डेटा के ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लीन डेटा के अंदर जाएंगे तो क्लीन ऑल डेटा का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो क्लीन ऑल डेटा में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओके करने को मिलेगा, तो आपको ओके करना है। इस कंडीशन में मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कर दूंगा तो मेरा कैमरा एप्स का जो भी सेटिंग्स है वो डिफॉल्ट हो जाएगा, तो ये मैं नहीं करूंगा। तो इसको आपको क्लीन कर लेना, क्लीन करेंगे तो आपको कोई भी कुछ पिक्चर क्लिक डिलीट नहीं होगा, जस्ट आपका जो कैमरा एप्स का सेटिंग्स है ये रिमूव होकर एकदम डिफॉल्ट नया कैसा हो जाएगा। तो ये करके जो है आपको कैमरा ओपन नहीं करना है, सीधा जो है आपका फोन को एक बार रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने का बाद आप जब ये कैमरा एप्स ओपन करने जाएंगे तो आपको कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको हर एक परमिशन दे देना है। उसका बाद अगर कैमरा ओपन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। बट अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो आपको सर्विस सेंटर जाने का पहले एक काम करना पड़ेगा। तो जो है आपका कोई भी Xiaomi का फोन है तो इसमें जो है एप्स देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट, वो है सर्विस एंड फीडबैक नाम का एक एप्स। तो ये एप्स अगर ओपन करेंगे ना तो आपको इस तरह का एक लेआउट देने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले फीडबैक सेक्शन में जाना पड़ेगा। फीडबैक सेक्शन में जाएंगे तो जो है आपको इधर इशू सिलेक्ट करना है, इशू सिलेक्ट करके जो है इधर आपको सिलेक्ट आइटम के अंदर जाना है। सिलेक्ट आइटम के अंदर जाएंगे तो इधर आपको काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर से जो है आपको कैमरा को सिलेक्ट करना है। देन आपको जो है टाइम सिलेक्ट करना है, जस्ट इस तरह से जाएंगे ओके कर देंगे, टाइम सिलेक्ट हो जाएगा। इधर जो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपका जो है कैमरा काम नहीं कर रहा है ये चीज को आप इंग्लिश लेकर हिंदी में आराम से लिख सकते हैं। प्लस जो है हो सकता है एक शॉर्ट वीडियो ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो कैसे करेंगे, इसके लिए जो है आपका फोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इसको ऑन कीजिए, देन आप जो है कैमरा एप्स को ओपन कीजिए। कैमरा को ओपन करने पर जो जो भी चीज आपको शो होगा उधर आपको देखने को मिल जाएगा, देन आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑफ कर देना एंड जो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा ये वीडियो को जो है इधर आप अटैच कर दीजिए डिस्क्रिप्शन लिखने का साथ साथ। देन जो है आप इधर ईमेल आईडी नहीं तो फोन नंबर को ऐड कर सकते, ये ऑप्शनल है। देन आप जो है इधर से सेंड कर दीजिए। सेंड करने जाएंगे तो जो है इधर मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा तो इसलिए इधर नहीं जाएगा। सेंड करेंगे तो जो है आपका जो फीडबैक Xiaomi के पास चला जाएगा। जाने का बाद जो है आपको क्या है, सीधा आपको जो है आपका ये जो फीडबैक है फीडबैक का आईडी देखने को मिल जाएगा, जो फीडबैक डिटेल्स के अंदर। तो इसके लिए जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से 3 डॉट में जाकर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह से आपको लेआउट देखने को मिलेगा, जो सेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसके अंदर जाएंगे, इस तरह से जो है आपको रिपोर्ट आईडी देखने को मिलेगा। इसको जो है आपको लिख कर रखना है, हो सकता है सर्विस सेंटर आपको ये रिपोर्ट आईडी मांग सकता है तो तब जो है ये आप दे पाएंगे। तो इसको आप ठीक से लिख कर रख दीजिए, ठीक। तो दोस्तों, सर्विस सेंटर विजिट करने का पहले कुछ काम आपको करके जाना है। सबसे पहले जो है आपका पोको X2 के अंदर जो भी अकाउंट से लॉगिन है वो गूगल अकाउंट हो सकता है बस Xiaomi का MIUI अकाउंट हो सकता है, हर एक अकाउंट का पासवर्ड को ठीक से याद करके रख दीजिए। हो सके तो सबसे अच्छा है आपका गूगल अकाउंट जो भी लॉगिन है उसको आप रिमूव कर दीजिए, प्लस जो MIUI अकाउंट है उसको भी रिमूव कर दीजिए, देन आप सर्विस सेंटर में विजिट कीजिए। ये बोलने का एक ही रीजन है, जब आपका फोन रिपेयर हो जाएगा उसका बाद जब आपका फोन आएगा तब जो है फोन रिसेट होकर आएगा। तो रिसेट होकर जब भी आएगा ना तब जो है आपका जो अकाउंट से लॉगिन रहेगा वो अकाउंट से जब रिसेट होगा आपका फोन ऑटोमेटिकली जो सेम अकाउंट का आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देने पर ही आपका फोन
ओपन होगा, तो ये चीज़ जरूर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आपका फ़ोन का जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर प्रॉब्लम है, तो मदरबोर्ड चेंज करने पर जो है आपका फ़ोन कंप्लीट इरेज हो जाएगा, एकदम नया तरह हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, वो पिक्चर है, वीडियो है, नहीं तो और भी पर्सनल डेटा हो सकते हैं, PDF फाइल, डॉक फाइल, जो भी है, इसको प्रॉपरली आप एक बैकअप ले लीजिए। अगर आप बैकअप नहीं लेंगे तो जो है सर्विस सेंटर जाएंगे तो आपका हर एक चीज़ डिलीट हो जाएगा, तब जो है आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी दूसरा जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देकर रख दीजिए। तीसरा जो है पॉइंट, आप जब सर्विस सेंटर जाएंगे ना, उस टाइम जो है ये फ़ोन का, आपका जो पोको X2, इसका आपका प्रॉपर बिल ले जाना है जेरोक्स कॉपी की तौर पर। एंड ये जो बिल है, ये बिल जिस नाम से हुआ है, मतलब जिसका नाम से हुआ है, ये आदमी का जो है आपको जो है एक वोटर कार्ड नहीं तो आधार कार्ड का एक जेरोक्स कॉपी भी ले जाना है, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम जो है Xiaomi का सर्विस सेंटर बिल एंड आधार कार्ड नहीं तो वोटर कार्ड का एक जेरोक्स मांगता है। तो ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड लास्ट, सर्विस सेंटर जाने का पहले एक बार सर्विस सेंटर में जरूर कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके जान लीजिए जो दिन आप जाने के लिए डेट फिक्स कर रहे उस दिन सर्विस सेंटर ओपन है या नहीं है, ये चीज़ जरूर कंफर्म कर लेना। एंड प्लस, सर्विस सेंटर जब जा रहे हो ना, इस टाइम जो है आप 6-7 घंटा हाथ में लेकर जाइए, क्योंकि हो सकता है आपका जो ये रिपेयरिंग है 2 घंटे के अंदर भी हो गया, नहीं तो 7-8 घंटा भी लग सकते हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जो है काफ़ी सारे लोगों को एक प्रॉब्लम हो सकते हैं सर्विस सेंटर ढूंढना, तो ये ढूंढना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए जो है जस्ट आपको जो पोको का X2 है, नहीं तो कोई भी Xiaomi फोन है, ये फोन के अंदर जो है आपको एक ऐप्स देखने को मिलेगा, मी स्टोर ऐप्स। तो मी स्टोर ऐप्स के अंदर अगर आप जाएंगे ना, तो इधर आपको अकाउंट सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो अकाउंट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्विस सेंटर का। तो सर्विस सेंटर के अंदर आएंगे तो इधर आपको सिलेक्ट स्टेट और सिटी का ऑप्शन देगा। तो इधर जो है कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर टच कीजिए, और नहीं तो अगर आप जो स्टेट से बिलोंग कर रहे थे उस स्टेट को इधर सिलेक्ट कीजिए। इस कंडीशन में मेरा है वेस्ट बंगाल, तो मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आपका नियरेस्ट जो सिटी इधर देखने को मिल जाएगा, ढेर सारा सिटी के इधर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सिटी एंड जिला का, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। इस मोमेंट में जो है मेरा नियरेस्ट लग रहा है बारासर, तो मैं इस कंडीशन में मेरा बारासर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो बारासर जब सिलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली देखिए इधर जो है नियरेस्ट सर्विस सेंटर का क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, कितना टाइम ओपन रहेगा, हर एक चीज़ आपको इधर जानने को मिल जाएगा। एंड प्लस पॉइंट क्या है पता है, इधर अगर आप एड्रेस के अंदर टच करेंगे ऑटोमेटिकली गूगल मैप में ये सर्विस सेंटर का क्या लोकेशन है, ये भी आपको जानने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका पोको X2 का कैमरा का प्रॉब्लम सर्विस सेंटर जाने पर अगर रिजॉल्व हो गया और सक्सेसफुली अगर आप आपका फोन को रिपेयर करके ले आया, तो इस कंडीशन में आपको मैं दो चीज सजेस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले जो है पोको X2 को सेल कर दीजिए, रखिए मत, ये फोन को सेल कर दीजिए, और नहीं रखना ही सबसे अच्छा होगा, अच्छा खासा प्राइस भी वैल्यू भी मिल जाएगा, सबसे अच्छा ये आपका डिसीजन होगा। एंड दूसरा, मैं और एक चीज बोल सकता हूँ, अगर हो सकता है तो कस्टम रॉम में मूव कर जाइए, MIUI में मत रहिए। और एक आपको सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि MIUI के ऊपर देख सकते किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, नियर फ्यूचर अगर फिर से इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होगा तब क्या होगा। तो इसके लिए मैं बोलूंगा आप एक ऐसा कस्टम रॉम के ऊपर मूव कर जाइए जो कस्टम रॉम किसी तरह MIUI बेस्ड नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ MIUI बेस्ड, जैसे MIUI का EU रॉम होता है, रशियन रॉम होता है, वियतनाम बेस्ड रॉम होता है, ये सब रॉम एकदम ही मत यूज कीजिए, एकदम लिनेज OS बोलिए, नहीं तो ऑक्सीजन OS बोलिए। इस तरह का जो UI कस्टम रॉम देखने को मिलता है पोको X2 के लिए, इस तरह का UI के ऊपर आप मूव कर जाइए, तो ही आपके लिए बेहतरीन है। एंड कस्टम रॉम के ऊपर जो है आप आराम से जो है Xiaomi का जो MIUI का कैमरा ऐप्स है ये भी इंस्टॉल कर पाएंगे, तो आपको कैमरा लेकर भी कुछ उतना प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो ये है ओवरऑल वीडियो, आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक दीजिएगा, एंड हम लोगों का ये वीडियो का जो 50 लाइक टारगेट रखा गया वो जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ जानना है नीचे फिल होकर कमेंट कीजिए, ट्राई करूंगा आपका हर एक कमेंट के आंसर देने का। एंड चैनल में आने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए, तो आपको भी इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ, फिर एक नया वीडियो में मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय। सभी पोको X2 यूजर, अगर आपका कोई भी दोस्त हो किसी के पास भी हो जाना भेजना, जरूर शेयर करना है वीडियो।